हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूप गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे लेमन के पौधे का केयर के बारे में, जिससे आपके लेमन के पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी और उसके बाद उनमें से भरपूर फ्रूट्स बनेंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किन किन वजह से आपके लेमन के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती या फिर फ्लावरिंग होने के बाद सारे फूल झड़ जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से आपके लेमन के पौधे से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको बताऊंगा लेमन के पौधे में फ्लावरिंग होने के बाद या फिर फ्लावरिंग होने से पहले आपको कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है। इसके साथ हम बात करेंगे थोड़ा सा PGR के बारे में, जिससे आपके पौधे में फ्रूट्स और फ्लावर्स इनक्रीज होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके लेमन के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है उसका रीज़न क्या है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है आपके पौधे को भरपूर सनलाइट नहीं मिल रहा है। किसी भी फ्रूट के पौधे को फ्लावरिंग होने के लिए भरपूर सनलाइट की ज़रूरत होता है, जैसे कि 6-7 घंटे का डायरेक्ट सनलाइट। अगर आपके पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सुबह का धूप नहीं आता, तो फिर आपके पौधे में फ्लावरिंग होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहला जो आपका काम है, आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर सुबह का 6-7 घंटे का डायरेक्ट धूप आता हो, तभी आपके पौधे में फ्लावरिंग होगा। लेमन के पौधे में फ्लावर्स ना आने का दूसरा जो कारण है वो है पानी। अगर आपके पौधे में हमेशा भरपूर पानी देके रखेंगे तो फिर आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी फ्लावर आने का टाइम हो, जैसे कि विंटर ख़त्म होने के बाद अभी जो महीना चल रहा है, इसी मौसम में लेमन के पौधे में फ्लावरिंग होती है। इस टाइम पे आप आपके पौधे में पानी देना बिल्कुल कम कर दीजिए, जब तक आपको आपके पौधे में फ्लावर बर्ड्स नज़र नहीं आ जाते। उसके बाद आपके पौधे के मिट्टी को आप हमेशा थोड़ा थोड़ा गीला रखिए, तभी आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी, उसके बाद उनमें से फ्रूट्स बनेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आपके पौधे में फ्लावर्स नहीं लग जाते, तब तक आप आपके पौधे में बहुत ही कम पानी दीजिए और मिट्टी को हमेशा सूखा सूखा रखिए। उसके बाद जब आपके पौधे में आपको फ्लावर्स नज़र आ जाए, तब आपके पौधे के मिट्टी को हमेशा गीला रखिए, नहीं तो आपके पौधे में जो फ्लावर्स आएंगे वो झड़ जाएंगे पानी की कमी की वजह से। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। लेमन के पौधे में या फिर किसी भी फ्रूट्स के पौधे में जब भी फ्लावरिंग का टाइम हो जाए, तब आपको ऐसा खाद देना होगा जिसमें पोटाशियम का मात्रा ज़्यादा हो। पोटाशियम पौधे में फ्लावर्स और फ्रूट्स लाने में मदद करता है, इसीलिए आपको ऐसा खाद देना होगा जिसमें भरपूर पोटाशियम हो। अगर आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं तो फिर सीवीड या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप केमिकल खाद यूज़ करना चाहते हैं तो फिर MOP या फिर SOP आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सीवीड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करूँगा, इसीलिए मैं इसे हर 15 दिन में एक बार अपने पौधे के मिट्टी में डालूँगा। अगर आप केमिकल खाद यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप हर 20 दिन में एक बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइजर या फिर केले के छिलके का फर्टिलाइजर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। एंड स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो को देख लेना। फिर भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हर 1 लीटर पानी में सीवीड फर्टिलाइजर हम आधा चम्मच मिलाएंगे, उसके बाद अपने पौधे में हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करते हैं PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में।
PGR पौधे में यूज करने से अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फिर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा, या फिर अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग बस शुरू हुई है तब आप अगर PGR इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी, उसके बाद आपके पौधे से फूलों का गिरना कम हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा फूलों से फल बनेंगे। यहाँ पर मैं जो PGR यूज करूंगा इसका नाम है मिराकुलान। मिराकुलान यूज करने का जो डोज है वो है हर 1 लीटर पानी में 1.5 ml। इसका इस्तेमाल आप 15 दिन के बाद बाद 4 से 5 बार कर सकते हैं। इससे आपके पौधे में डिफरेंस आपको नजर आएगा। इसके अलावा मिराकुलान के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, मैं नीचे एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके उस डिटेल वीडियो को देख के अपने पौधे में मिराकुलान यूज कर सकते हैं। अगर आप ये मिराकुलान यूज नहीं करना चाहते तो फिर आप सीवीड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सीवीड यूज करने के लिए आप हर 2 लीटर पानी में आधा चम्मच सीवीड मिला के उसे हर 15 दिन में एक बार आपके पौधे में स्प्रे कीजिए। इससे भी आपके पौधे में भरपूर फ्लावरिंग होगी और फ्लावर्स ड्रॉप होना कम होंगे। आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पौधे में जितने फूल आएंगे उन हर फूल में से फ्रूट कभी नहीं बनेगा, चाहे आप कुछ भी इस्तेमाल क्यों ना कर ले। पौधे का जितना कैपेसिटी होता है फ्रूट बनाने का, उतना ही फ्रूट आपके पौधे में बनेगा। और इन सभी PGR या फिर सीवीड इस्तेमाल करने से हम उनका मात्रा थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना जोश कभी भी ना खोए गार्डनिंग में। अगर आपके पौधे में आज 2 फल लगते हैं तो फिर अगले साल वही फल 20 बन जाएंगे, इसीलिए आप अपना हौसला बजाय रखें। यही था आज का छोटा सा वीडियो लेमन के पौधे का केयर के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फिर आपको तो वीडियो अच्छा लग ही रहा होगा, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।